अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। यासर फूड प्रॉपर्टी एक्सचेंज पेरियनो कराची के प्लेटफॉर्म से व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं प्रेसेंट 12 के अंदर अली ब्लॉक के अंदर। आपको एक सेमी कॉर्नर विला 125 स्क्वायर यार्ड्स का विला इनसाइट वर्क करवाएंगे। इसके साथ सेमी कॉर्नर के अंदर आपको एक्स्ट्रा लैंड मिलती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस साथ वाले घर के अंदर जैसा गार्डन मेंटेन किया गया, उसी तरह इस घर के अंदर भी आपको गार्डन मेंटेन करके दिया जाएगा। इसके लिए स्पेस छोड़ दी गई है। विला ऑलमोस्ट कंप्लीट है और आप ये इसकी देख सकते हैं कि गार्डन स्पेस यहाँ पर इसकी मैनेज की जाएगी। सेमी कॉर्नर का ये एडवांटेज होता है कि आपको एक्स्ट्रा लैंड के साथ साथ एक अच्छा गार्डन मिल जाता है। फ्रंट स्ट्रक्चर डिज़ाइन में अगर आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टी एक्सचेंज आपको वेरियटोन कराची के अंदर डिफरेंट विलास, खूबसूरत विलास दिखाता रहता है। अभी आप इसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन देख सकते हैं। एक ही स्ट्रीट के अंदर एक ही डिज़ाइन टोटल स्ट्रीट के अंदर चलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कंप्लीट इनसाइट वो करेंगे इस 125 स्क्वायर यार्ड्स विला का, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। तो व्यूअर्स, ये इसका मेन गेट है। यहाँ पे आपको फ्रंट लैंप की लुक मिल रही है, फ्रंट लैंप भी आप देख सकते हैं। और ये हम अभी गैरेज के अंदर इसके एंटर होते हैं। जी व्यूअर्स, गैरेज के अंदर हम आ चुके हैं। तो गैरेज की बात करें तो आपको उसी तरह का एक स्टैंडर्ड साइज गैरेज यहाँ पर मिल रहा है। नीचे आप टाइल वर्क देख सकते हैं। उसके साथ साथ दो एंट्रेंस आपको मिलेंगी, एक मेन आपको एंट्रेंस मिल रही है और एक ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है। राइट साइड पर हमारी बात करें तो आपको एक कॉरिडोर साइज मिल रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अपनी डिफरेंट यूटिलिटीज़, बाइक वगैरह अगर आप पार्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर पॉसिबल है। ये इसकी एक लुक है टोटल गैरेज की। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, घर से एंटर होने से पहले इस टोटल घर के अंदर आपको टच सिस्टम जो बटन्स हैं वो मिलेंगे। और ये इसकी दो एंट्रेंस है। राइट साइड से आपको अगर मैं दिखाऊं तो हम चलेंगे इसके ड्राइंग एरिया के अंदर। ड्राइंग रूम के अंदर फिलहाल थोड़ा सा काम है, ऊपर आप देख सकते हैं कि लाइट वर्क थोड़ा सा चल रहा है इसका। और ये इसकी ड्राइंग रूम स्पेस है। कंस्ट्रक्शन व्यूअर्स टोटल 125 स्क्वायर यार्ड्स पर ही हुई ऑलमोस्ट। और ये आप देख सकते हैं ड्राइंग रूम की स्पेस। इससे आपको एक विंडो मिल रही है जो कि सेमी कॉर्नर की तरफ व्यू करवाएगी। ये आपके गार्डन का व्यू होगा। ये एडवांटेज इसका होता है कि आपको डबल साइडेड विंडोज़ मिल रही होंगी। और ये इसका एक टोटल साइज है ड्राइंग रूम का। ड्राइंग रूम को आप टोटल सेपरेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मीडिया वॉल डिज़ाइन करके दी गई है। अब हम आ चुके हैं इसके टीवी लाउंज के अंदर। टीवी लाउंज आप एक ओवरव्यू देख सकते हैं। यहाँ से भी आपको विंडो मिलेगी आपके सेमी कॉर्नर के व्यू की तरफ। हम बात करते हैं यहाँ से तो टीवी लाउंज के सामने आपको एक पाउडर रूम भी डिज़ाइन करके दिया गया। पाउडर रूम के अंदर वैनिटी सेटअप अभी यहाँ पर मैनेज होने वाला है। और उसके साथ कमोड जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया जी। ये इसका मेन रिसेप्शन डोर था। और अभी हम मौजूद हैं इसके टीवी लाउंज के अंदर। टीवी लाउंज की बात करें तो व्यूअर्स आपको मीडिया वॉल के साथ साथ एक विंडो मिल रही है जो कि आपको सेमी कॉर्नर की तरफ व्यू करवाएगी। और इसकी सीलिंग की बात करें तो आपको एक खूबसूरत शैंडेलियर वार्म लुक के अंदर और सीलिंग वर्क आप देख सकते हैं काफ़ी एलिगेंट डिज़ाइन के साथ साथ सिंपलिसिटी के साथ यहाँ पर काम किया गया। नीचे टाइल वर्क की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन ही यहाँ पर टाइल वर्क चल रहा है। मीडिया वॉल की बात करें तो व्यूअर्स इस साइड पर इसकी मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड पर इसकी विंडो है, तो यहाँ से आपको गार्डन का व्यू भी मिलेगा। और ये आपकी मीडिया वॉल डिज़ाइन करके दी गई है। सेपरेट कर सकते हैं आप इसको टोटल ग्लास के साथ अगर आप ड्राइंग रूम को सेपरेट करना चाहते हैं। यहाँ से आपको मैं ओवरऑल लुक दिखाऊँ तो फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स यहाँ से आपको मिलेंगी और ग्राउंड फ्लोर पर एक बेडरूम के साथ साथ एक सेपरेट किचन आपको मिल रहा है, जिसकी लुक अभी मैं आपको दिखाता हूँ। किचन के अंदर चलते हैं तो मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहले यहाँ पर एक विंडो पैनल बना कर दिया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बड़े साइज़ के अंदर विंडो पैनल है ताकि आपको किचन का व्यू भी मिलता रहे। और ये एक डोर है ग्लास और वुडन डोर ताकि आपको यहाँ से खूबसूरत लुक मिल रही है। अंदर चलते हैं व्यूअर्स। सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड पर ये स्पेस मिलेगी ताकि आप अपनी रेफ्रिजरेटर और फ्रीज़र की जो है वो स्पेस यूटिलाइज़ कर सकें। राइट साइड पर काफ़ी कैबिनेट स्पेस है। ऊपर भी आप देख सकते हैं, ऊपर हमारे वाइट कलर के अंदर थीम रखी है और नीचे टोटल आपको एक वुडन लुक मिलेगी। राइट साइड पर टोटल आपको हुडन हॉक की स्पेस दी गई है। यहाँ पर जो है स्टोव इंस्टॉल कर दिया गया और नीचे भी कैबिनेट स्पेस आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। यहाँ से बात करें तो आपको वॉशिंग एरिया बैक साइड जो है इसकी ऑलमोस्ट 3 फीट वाइड 4 फीट वाइड आपको यहाँ पर मिल रही है। ये इसका मेन इसका बैक साइड डोर था। और ये हमारे लिए डिश वॉशिंग एरिया यहाँ पर क्लैम गैस का इंस्टॉल करके दिया गया। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें व्यूअर्स, ए प्लस कंस्ट्रक्शन है। आपको सॉलिड चीज़ें मिल रही हैं। डोर हैंडल्स आप देख सकते हैं, उसके साथ जो लुक वुड यहाँ पर यूज़ की गई वो भी सॉलिड है। कंस्ट्रक्शन ए प्लस है। और ये हम आप वापस आ चुके हैं इसके टीवी लाउंज के अंदर। चलते हैं इसके बेडरूम के अंदर। यूज बेडरूम के अंदर हम आ चुके हैं और बेडरूम का मैं आपको एक ओवरऑल पहले आप लुक देख लें, फिर मैं आपको उसको डिस्क्राइब करता हूँ। नीचे आप देख सकते हैं टाइल वर्क सेम ही चल रहा है। और ये इसका वॉल लुक है जो कि प्रोफाइल आप देख सकते हैं वॉल पेपर के साथ इसको डिज़ाइन किया गया। वॉल पेपर यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इसकी वॉल के साथ, वाइट पेंट के साथ। और ऊपर अगर हम बात करें तो ऊपर सीलिंग वर्क भी काफ़ी यहाँ पर एलिगेंट डिज़ाइन चूज़ किया गया।
एक क्लासिक डिज़ाइन है, ज़्यादा ओवर यहाँ पर काम नहीं मिल रहा आपको। और इसका एक टोटल साइज़ है बेडरूम का। इसके बैक साइड पर आपको वार्डरोब्स मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको टोटल स्पेस मिल रही है वार्डरोब की, और अच्छी क्वालिटी की वार्डरोब्स यहाँ पर डिज़ाइन की गई है। वॉशरूम में तो चलते हैं, अटैच बाथ है। तो सबसे पहले हम एंटर होते साथ आपको राइट साइड पर यहाँ पर आपके लिए कमोड अकोमोडेट किया गया है, और ये शॉवर एरिया है, कंसील्ड ड्रेन शॉवर यहाँ पर जो है आपके लिए डिज़ाइन किया गया। वैनिटी सेटअप आप देख सकते हैं कॉर्नर के अंदर डिज़ाइन की गई है, क्योंकि स्पेस यहाँ पर अच्छी यूटिलाइज की गई है। और ये इसकी लुक थी टोटल वॉशरूम की। आपको एक और लुक दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये वॉशरूम की लुक है। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। व्यूअर्स, फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं, और फर्स्ट फ्लोर पर जाते जाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पहले आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर लिख कीजिएगा कि आपको ये घर कैसा लग रहा है। फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे हैं तो स्टेज की बात करते हैं। व्यूअर्स, लेफ्ट साइड पर हमारे वुडन रेलिंग है, ये टोटल वुड यहाँ पर यूज़ की है, और राइट साइड पर टोटल वॉल के ऊपर आपको वॉलपेपर डिज़ाइन करके दिया गया, और साथ में आपको वुड वर्क भी मिल रहा है। स्टेज की बात करें तो आपको ब्लैक एंड वाइट के अंदर यहाँ पर स्टेज की लुक मिल रही है। और यहाँ से हम आ चुके हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रोफाइल वॉल यहाँ से दिखाऊं, सीलिंग से लेकर आप नीचे तक देख सकते हैं कि प्रोफाइल वॉल आपको वॉलपेपर के साथ वुडन वर्क यहाँ पर किया गया। फिलहाल ऊपर सीलिंग में काम चल रहा है, लाइट्स यहाँ पर इंस्टॉल की जाएंगी। और सबसे पहले मैं आपको टीवी लाउंज एक्सप्लेन करूं, तो ये इसकी टीवी लाउंज स्पेस है। व्यूअर्स, यहाँ पर भी मीडिया वॉल आपको डिज़ाइन की गई है। मीडिया वॉल की लुक आप सबसे पहले देख सकते हैं, और ये इसकी टोटल स्पेस है। ओवरऑल सीलिंग वर्क काफ़ी खूबसूरत है, आपको बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ इसके अंदर काम करके दिया गया। और इसके साथ साथ यहाँ से आपको स्पेस मिल रही है आपके रूफटॉप के एंट्रेंस। जी, उसकी इसकी रूफटॉप एंट्रेंस है, और इसकी रूफ पर भी आपको जो है मार्बल इंस्टॉल कर दिया गया, तो टोटल आपको वाटर प्रूफिंग करके दी गई है। ये इसकी मीडिया वॉल थी, टीवी लाउंज आपको मैंने दिखाया। व्यूअर्स, हम जा रहे हैं इसके सेकंड बेडरूम के अंदर। बेडरूम की साइज़ की बात करें तो सबसे पहले व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि अच्छे साइज़ का बेडरूम आपको मिल रहा है, और अच्छी लुक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे फैंसी लाइट्स के साथ साथ एक विंडो है जो कि आपको आपके सेमी कॉर्नर के गार्डन का व्यू करवाएगी। यहाँ से मैं आपको लुक भी दिखा देता हूँ, नीचे आप देखेंगे तो आपको सेमी कॉर्नर के गार्डन का व्यू है, और यहाँ से अटैच बाथ है। सबसे पहले आप साइज़ इसका देख सकते हैं, और ये इसकी वार्डरोब स्पेस है इसके दरवाजे के पीछे, ये आप देख सकते हैं। ये टोटल इसकी वार्डरोब स्पेस है, अच्छी स्पेस है वार्डरोब की हर वॉश बेडरूम के अंदर। चलते हैं इसके अटैच बाथ के अंदर। बस ये इसकी वैनिटी सेटअप की लुक है, और पीछे आप मिरर देख सकते हैं कि मिरर इंस्टॉल कर दिया गया। अगर लाइट फिलहाल यहाँ पर मौजूद हो मैं आपको ऑन, ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको एक मिरर लाइट भी यहाँ पर इंस्टॉल करके दी गई है। ये कंसील्ड शॉवर, और यहाँ पर आपके लिए कमोड अकोमोडेट किया गया। वॉशरूम की लुक काफ़ी अच्छी थी, ये आप देख सकते हैं। वॉशरूम के अंदर जो मार्बल के साथ साथ स्टोन वर्क यहाँ पर आपको मिल रहा है, और एक अच्छे साइज़ का बेडरूम भी आपको यहाँ पर डिज़ाइन करके दिया गया। यहाँ से हम देखें तो इसका स्टोर रूम है, इस स्टोर रूम के अंदर भी अभी लाइट मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस साइज़ का आपको स्टोर रूम मिल रहा है। फर्स्ट फ्लोर पर किचन एंड स्पेस भी आपको मिलेगी, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अच्छे साइज़ की किचन एंड स्पेस आपको ऊपर भी मिल रही है, ताकि आप इसको ऊपर भी किचन डिज़ाइन कर सकें और नीचे भी। यहाँ पर आपको स्टोव इंस्टॉल करके दिया गया, और यहाँ पर अभी इंस्टॉल नहीं है, और ये इसका डिश वॉशिंग एरिया। कैबिनेट स्पेस अच्छी मिल रही है आपको, और ये टोटल एक साइज़ है आपके किचन एंड स्पेस का। मास्टर बेडरूम है जो कि इसके फ्रंट का व्यू करवाएगा आपको। हम आ चुके हैं इसके थर्ड बेडरूम के अंदर। टोटल 3 बेडरूम्स, और ऊपर इसकी सीलिंग वर्क आप देख सकते हैं। हर बेडरूम के अंदर सीलिंग वर्क ऑलमोस्ट सेम है, और एक अच्छी लुक आपको यहाँ पर सीलिंग वर्क के अंदर मिल रही है। ये इसकी वार्डरोब्स, और ये इसका टोटल साइज है। चलते हैं अटैच बाथ के अंदर। वॉशरूम की बात करें व्यूअर्स, वैसा ही आपको कंसील शॉवर, वैनिटी सेटअप, सेम सैनिटरी सेटअप आपको हर वॉशरूम के अंदर मिल रहा है। वॉशरूम की लुक्स ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कमोड के पीछे अच्छा
आपको वर्क करके दिया गया। और ये हमारा फ्रंट का बेडरूम था जो कि आपको रोड व्यू भी देगा, स्ट्रीट व्यू भी देगा और साथ में आपको सेमी कॉर्नर गार्डन का भी व्यू देगा। चलते हैं इसके टेरेस के ऊपर। इस घर की डिमांड जानने के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके इसकी डिमांड जान सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप व्यू कर सकते हैं। जी वर्स, हम आ चुके हैं इसके टेरेस के ऊपर। तो ये इसकी टेरेस स्पेस है जो कि हर आपको एक 125 स्क्वायर यार्ड्स के घर के अंदर मिलती है। सेम टेरेस स्पेस है और सामने हम आपको स्ट्रीट व्यू दिखाएं तो ये आप इसकी स्ट्रीट भी देख सकते हैं। पेरियडोन कराची के हवाले से किसी भी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। प्रॉपर्टी एक्सचेंज पेरियडोन कराची के प्लेटफॉर्म से यासर कफूर, अल्लाह हाफिज़।